साइलेंस सबसे हाईएस्ट टीचिंग है साइलेंस आत्मा का निजी स्वरूप है एक ही वजह है कि आत्मा अपने साइलेंस को महसूस नहीं कर पा रही क्योंकि उसका अटेंशन मन के शोर में इमर्स्ड है मन का शोर का अर्थ है कांस्टेंट चेंज ऑफ द माइंड और बॉडी का कांस्टेंट चेंज ऑफ द मूवमेंट एंड सेंसेशंस इसीलिए परमात्मा आकर हम आत्माओं को अपना सत्य परिचय देते हैं ताकि मैं आत्मा अपने अटेंशन को माइंड और बॉडी और माइंड और बॉडी की दुनिया से हटाकर अपने अटेंशन को सत्यता में रखो जो कभी बदलता नहीं तो मेरे जो प्रेम का भाव है आत्मिक प्रेम का भाव कभी नहीं बदलता मन के भाव बदलते हैं कभी अच्छा लगता है कुछ कभी कोई खराब लगता है मन को लगता है मन में ये रिकॉर्डिंग है पुराने संस्कारों की आत्मा का आत्मिक प्रेम कभी ऊपर नीचे नहीं होता आत्मिक सुख आत्मिक शांति उसकी कोई डुअलिटी नहीं है जितना मेरा अटेंशन परमात्मा की तरफ होगा और मेरा कौन मैं लिविंग बीइंग तो वो सत्य रियलिटी लगेगी पर जितना मुझ लिविंग बीइंग का अटेंशन माइंड और बॉडी के कांस्टेंट चेंज पर है उनकी फीलिंग्स इमोशंस के कांस्टेंट चेंज पर है तो उस दौरान मुझ आत्मा को वो भ्रम ही जैसे रियलिटी लगेगा खेल ही पूरा अटेंशन का है आत्मा और उसका अटेंशन Silence. आज मुरली से वरदान पढ़ के अव्यक्त मुरली पर जाएंगे है ना और देखेंगे अव्यक्त मुरली को बाबा कैसे हमें सेट करते हैं उसका स्टेज है ना तो आज का वरदान है हरेक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है वह दिन भी आना है साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवा धारी हम्म बहुत ब्यूटीफुल है बाबा ने क्लियरली आज बताया है हमें वरदान में कि आत्मा का नेचर ही साइलेंस है आत्मा फॉर एवर साइलेंट बीइंग है हुँ? और आत्मा जब अपनी साइलेंस को पहचानती है तो फिर पहले परमात्मा हमें ये बताते हैं आत्मा के अंदर मन बुद्धि और संस्कार सब आत्मा के अंदर है एक ही कॉन्शियसनेस होती है तीन चार तरह की कॉन्शियसनेस नहीं होती एक कॉन्शियसनेस होती है और वो है एक लिविंग बीइंग जिसका अस्तित्व प्योर एग्जिस्टेंस आत्मा मैं खुद हूं ऐसा नहीं है कि सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस कोई दो अलग चीजें हैं सोल कॉन्शियसनेस मींस कॉन्शियसनेस इट्सेल्फ आत्मा जो कि कॉन्शियस है कि मैं हूं ही आत्मा पर जब वो अपने पुराने संस्कारों से अपनी पहचान बना लेती है तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्यों समझना है साइलेंस मतलब ये नहीं है कि मैं मुख से नहीं बोल रही या मन को यूज नहीं कर रही सोचने के लिए ये साइलेंस नहीं है साइलेंस में है मैं साइलेंस में अपने ट्रुथ में जब बैठती हूँ बीस मिनट सुबह बीस मिनट शाम को तो जब बैठती हूं तो जैसे ही बैठूंगी कॉमेंट्री स्टार्ट होगा होगी दिखेगी पहले वो कॉमेंट्री दिख नहीं रही थी चल रही थी मैं उसी में डूबी भी थी और हाथ पैर चला रही थी अब मैं आत्मा बीस मिनट के लिए सुबह बैठती हूं शरीर को बिठाती हूं तो देखती हूं जैसे ही बैठती हूं अब क्योंकि शरीर नहीं चल रहा तो माइंड की चलन दिखने लगी पहले शरीर चल रहा था तो चलता हुआ माइंड नहीं दिख रहा था उसका ही स्वरूप बनकर चल रहे थे अब चलता हुआ शरीर बंद हो गया तो माइंड की चलन दिखने लगी है ना तो मुझ आत्मा को यह देखना है कि 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम बैठना बहुत जरूरी है माइंड को साइलेंट करने के लिए नहीं बैठ रहे शरीर की गतिविधि गति को शरीर के मूवमेंट को हम साइलेंट करने के लिए बैठे ताकि जो मन का मूवमेंट है वो दिखे धोखा नहीं खाए हम उससे इसलिए बिठाते हैं है ना अगर आप देखेंगे पूरे दिन में भी चलते फिरते अगर आप कर रहे होंगे सब कुछ काम कितना कुछ चलता है पता ही नहीं चलता पता ही नहीं चलता तो आत्मा का साइलेंस मतलब पहले बॉडी के मूवमेंट को साइलेंट करें चुपचाप बैठ जाए हिलाए नहीं बॉडी को फिर आप जब बैठेंगे तो आपको अपने मन का पूरा शोर दिखेगा मन कितनी बातें कर रहा होगा अरे पांच मिनट हो गए अच्छा अभी थोड़ा उठ के थोड़ा ये काम बाकी है वो काम बाकी है ये कर लेती हूँ वो कर लेता हूं होता है ना हाँ ऑफिस का काम याद आएगा घर में बाकी रहा हुआ काम सब याद आएगा ये आप नहीं है इट्स ओके इट इज नॉर्मल माइंड का इतना बोलना है ना आप आत्मा इसीलिए हम परमात्मा के साथ बैठते हैं कि मैं एक वो लिविंग लाइट हूं अगर इमेज हेल्प करती है शुरू शुरू में इमेज भी रखें सामने और देखें मैं ये लाइट हूं ये परमात्मा भी लाइट है लिविंग लाइट है वो भी स्टिल है मैं भी स्टिल हूँ तो ये मूव क्या हो रहा है है ना हमने एक बार ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं ट्रेन में बैठी या गाड़ी में भी बैठी हूँ मेरे पास में जो पार्कड गाड़ी है वो पीछे बैकअप होना शुरू होती है तो एकदम से मुझे लगता है कि मैं बैकअप हो रही हूं है ना तो अगर मेरी नजर से तो उस बैकअप होती हुई गाड़ी पर ही रहेगी तो मुझे अपनी स्टिलनेस नहीं पता चलेगा कि मैं तो मूव ही नहीं हुई मेरी तो गाड़ी एक ही जगह खड़ी है क्योंकि मेरी नजर तो वो बैकटप गाड़ी पर ही जा रही है तो मुझे लग रहेगा कि मैं टाइट पकड़ लूंगी स्टीयरिंग व्हील को <laughs> कि मैं पीछे तो नहीं जा रही है, है ना देखा होगा ना सभी ने हाँ ऐसे इसने तो कई बार देखा है बैठी हूं गाड़ी की एकदम टाइट पकड़ लूंगी पास वाली गाड़ी पीछे जा रही है तो रिवर्स में मैं पार्कड हूं पास वाली गाड़ी पीछे जा रही है और पकड़ लेती जैसे कि मैं मूव हो रही हूँ फिर मैं अपने आप को देखती हूँ हाँ मैं तो नहीं मूव हो रही हूँ मैं स्टिल हूं तो फिर वो पार्कड वाली गाड़ी मेरे को क्या लगता है सिर्फ जा रही है वो जा रही वो हिल रही है मैं नहीं हिल रही हूं सेम विद मी दोल मैं आत्मा संकल्प हिल रहे हैं बॉडी स्टिल है थैंक गॉड बैठना जरूरी है इसीलिए बीस मिनट सुबह और बीस मिनट शाम को नहीं तो मुंह मुंह की भी गाड़ी में तो पता ही नहीं चलेगा आपको <laughs> तो आपकी गाड़ी को तो स्टेशनरी करो बीस मिनट बिठाओ सुबह शाम अब बीस मिनट बिठाया गाड़ी पार्कड है तो अब मन की जो गाड़ी चल रही है वो दिखेगी है ना तो मैं बैठी मैंने जैसे ही बैठी पता नहीं क्या क्या बातें जो मेरे को लगा कि मैं तो सोचती नहीं थी पहले अब सोचने लगी ये कहां से आ गई पुरानी दस साल पुरानी वाली बातें एक्चुअल में ये सब बातें ऑलरेडी अंदर आपके हर एक्शन को मूव कर रही थी दिख नहीं रही थी इसीलिए अब मैं आत्मा बैठूंगी ना बहुत कुछ बोलेगा मन गाड़ी पार्क्ड है बॉडी की अब माइंड की गाड़ी तो ट्रेन तो चालू ही है अब आप कौन हैं इस पे अटेंशन लाओ क्योंकि आप आत्मा का अटेंशन पूरा इमर्स्ड है उस चलती हुई ट्रेन में अब गाड़ी पार्क हो गई पर ट्रेन चल रही है थॉट्स की तो वो थॉट्स की जो ट्रेन चल रही है वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है अब आप आत्मा तो यहां हो इटर्नली साक्षी परमात्मा के साथ हमेशा यहाँ बैठी हो हमेशा आप मूव नहीं हुई हो पर आपकी माइंड की गाड़ी माइंड की ट्रेन माइंड की ट्रेन चलती जा रही है और वो बॉडी की सेंसेशंस को भी अब कर रही है मूवमेंट को नहीं यूज कर रही है बॉडी के सेंसेशंस को यूज कर रही बेचैनी होगी उठ जाऊं पांच मिनट हो गए बार बार अलार्म लगा दी है अब बार बार घड़ी को देखूंगी कितनी देर हुई अच्छा आधा घंटा हो गया अभी आधा घंटा बाकी अगर एक घंटे के लिए बैठी हूं तो बेचैनी होगी बॉडी को यूज करेगा माइंड ये सब देखना जरूरी है आत्मा को मैं कौन जो एकदम स्टिल पॉइंट साइलेंट बीइंग हूं मेरे शब्द नहीं है ये माइंड के शब्द ये चलती हुई वो ट्रेन है जिसमें मुझे उस तरफ नजर नहीं करनी परमात्मा की तरफ मेरा अटेंशन मैं तो स्टिल ही हूं क्योंकि मेरा अटेंशन चलती हुई ट्रेन में है अभी थॉट्स की तो मुझे लग रहा है मैं चल रही हूँ उन थॉट्स के साथ वो मेरी जीवन कहानी है बोल रहा है मंज नॉट यू Your thoughts are not you. आप अपने संकल्प नहीं है आप साइलेंट और स्टिल बींग है आप देखें अटे, अटेंशन जो आपका पावर है उसको परमात्मा की तरफ लगाए तो दिखेगा बाबा आपके अंदर मेरे प्रति कोई संकल्प नहीं चल रहे बच्ची मैं साइलेंट साइलेंस का सागर हूं मैं तुम्हारी कहानियों को बिलीव नहीं करता मन की मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक इन्फिनिट पोटेंशियल हो आत्मा हो जिसके अंदर बेहद और हद के सारे अनुभव रिकॉर्डेड हैं। और वो संकल्पों के रूप में तुम्हारे मन में चल रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे लिमिटेड और हद के और बेहद के अनुभवों में नहीं है मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे उस इंफिनिट पोटेंशियल जो तुम्हारा अस्तित्व है तुम्हारा एग्जिस्टेंस है उसमें है मेरा इंटरेस्ट अब ऐसे में परमात्मा से बातें कर रही हूं पर मुझे वो किस स्वरूप को दिखा रहा है अपने उस साइलेंट स्वरूप को जो किसी संकल्प की गतिविधि ट्रेन से टच नहीं हो सकती उसके संकल्पों का ना आदि है ना मध्य है ना अंत है उसके संकल्प बेहद के हैं इनफैक्ट उसके संकल्प वो संकल्प है मुझे जो हद और बेहद से परे ले जाते हैं मुझे बॉडी की जो थ्री डी चेयर है उससे भी साक्षी कर लेते हैं माइंड की चलती हुई ट्रेन है उससे भी साक्षी कर लेते हैं एकदम साइलेंट बीइंग होता इसीलिए जो आत्माएं बीस मिनट सुबह बीस मिनट शाम और हम तो बोलेंगे बीस मिनट दोपहर में भी अगर नहीं अपनी गाड़ी को पार्क करेगी तो चलती हुई मन की ट्रेन ही चलाएगी उसको सब कुछ ऐसे ही लगेगा मूव हो रहा है बाहर तो हो ही रहा है सब मूव अंदर भी जो मूव हो रहा है ना जिसने उसको साक्षी होके देख लिया उसको बाहर का मूवमेंट हिला नहीं सकता इसलिए साइलेंस में परमात्मा ने कहा कि साइलेंस के पावर से ही परमात्मा की प्रत्यक्षता हो सकती है बाप की प्रत्यक्षता हो सकती है तो साइलेंस में बैठना बहुत जरूरी है मुझे याद है एक बार मैं सेंटर पर गई थी इतना बॉडी और माइंड रेस्टलेस इतना भाग जाऊं उठ के ऐसे मन बोल है अंदर सनसनी चल रही है शरीर में भी सनसनी चल रही है क्योंकि सामने जो सीन चल रहा है उसमें माइंड को कुछ अपने अनुसार ठीक नहीं लग रहा हम्म और क्योंकि माइंड को ठीक नहीं लग रहा तो वो बॉडी में भी चालू, और उस वक्त इतना ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है माइंड और बॉडी आत्मा को ऐसे पुल करने की कोशिश कर रहा है कि बस उठ के भाग जाऊं ऐसे ऐसे बोल रहा है, बार बार घड़ी देख घड़ी की तरफ घड़ी की तरफ नजर जाने की कोशिश कर रहा है मन ऐसे लग रहा है कि मैं देखूंगी नहीं मन फिर दूसरा मन अच्छा मन ये भी बोल रहा है मत देख घड़ी घड़ी की की तरफ तरफ क्योंकि ये मन चाहता है तू देख 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 मत देख, मत देख. वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ये उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और मैं आत्मा एकदम आई कैन सी इंफ्लुएंस हो रहा है परमात्मा की कोख में बैठी तब पता चला कि ये मैं हूं ही नहीं इतना अपना खींच रहा था तो हमें ये देखना है कि बाहर कुछ गलत नहीं हो रहा है बाहर का जो भी सीन चल रहा है वो मुझे अपने माइंड और बॉडी की रेस्टलेसनेस से अलग करने के लिए इतना ब्यूटीफुल सीन चल रहा है कि कहां कहां मन के अंदर कहां कहां जजमेंट कहां कहां अपने आप को ज्यादा राइट और दूसरे को गलत समझने की वृत्तियां ये सब यहां चल रही हैं तो सेंटर पे भी जाए ना अपनी चेकिंग के लिए जाए दूसरों की चेकिंग के लिए नहीं <laughs> क्योंकि आप नए नए हैं ना और ज्ञान बाबा का एक ही है सुनने में अलग अलग सब जगह सुनाई देगा आपको आप परमात्मा के शब्दों के पीछे के भाव पे अगर अटेंटिव हैं, तो आपको दूसरी चीजें अगर माइंड देख भी रहा है आपको देख कर भी नहीं देखना है आप अपनी चेकिंग के लिए जा रहे हैं दूसरों को चेकआउट करने नहीं जा रहे हैं हमारा माइंड दूसरों को चेकआउट करने की आदत पड़ी हुई है कंपैरिजन की आदत पड़ी हुई है पड़ी हुई है ना किसका माइंड है जिसका कंपैरिजन नहीं करता जिसका माइंड हम तो हाथ नीचे कर लेते हैं सभी का माइंड कंपैरिजन, कंपटीशन, वो अच्छा ये खराब ये माइंड बोलेगा आप अपने साइलेंट अपनी चेकिंग के लिए जाओ अपने स्व कल्याण के लिए जा रहे हो किसी और से कुछ लेने नहीं जा रहे हो स्व कल्याण के लिए सेंटर जाना स्व की चेकिंग के लिए जाना क्योंकि बिगिनिंग में क्या होगा नए नए हम जाते हैं ना तो हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है उन्होंने तो ऐसे सुनाया था पर ये तो कुछ और बोल रहे हैं आप परमात्मा के शब्दों को सुनना है ना हर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो उस अनुसार समझा रहे हैं आप शब्दों पे भाव पे जाओ परमात्मा के ऊपर ध्यान रखो भाई बहन पे नहीं परमात्मा के ऊपर ध्यान रखो बाबा आप मुझे बताओ आप आपकी मुरली है आपके शब्द हैं इसके पीछे का भाव क्या है आप मुझे सुना है ना अपने ऊपर मैं स्टिल इसीलिए आत्मा को एकदम सूक्ष्म स्थिति में अपने साइलेंस मींस सटलेस्ट फॉर्म ऑफ द सोल बाकी दूसरे ग्रोस फॉर्म्स हैं आत्मा के ही फॉर्म्स हैं ईगो माइंड कोई सेपरेट नहीं है हम उसको सेपरेट करते हैं ताकि हमें ये पता चले श्वास आए आत्मा को थोड़ी अब जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं रीनी है आज लाल कपड़े पहने तो सबने बोला आज तो तुम लाल एकदम लाल लाल हो फिर मैंने कहा पीले कपड़े पहन लिए तो सबने कहा तुम पीले पीले हो आज बिल्कुल फिर किसी दिन काले कपड़े पहन लिए तो सबने कहा तुम काले काले हो गए आज तो बिल्कुल फुल ब्लैक सबके पीछे कौन था रीनी ही थी ना सबके पीछे रीनी ही बीच थी चाहे लाल कपड़े पहने हो चाहे काले पहने हो चाहे सफेद पहने हो चाहे पीले पहने हो सबके पीछे थी तो रीनी ही हाँ मेरा ओरिजिनल इटर्नल स्वरूप नहीं था ना लाल था ना पीला था ना सफेद था ना काला था मेरा ओरिजिनल इटर्नल स्वरूप कभी चेंज नहीं हुआ रीनी रीनी ही थी हद में देख रहे हैं हा ऐसे ही आत्मा इटर्नल स्वरूप आत्मा का गोल्डन स्टार गोल्डन लिविंग साइलेंट बींग काले संकल्पों से नहीं पहले सफेद संकल्पों से पहचान बनाई तो सफेद सफेद पार्ट प्ले किया लक्ष्मी नारायण का फिर थोड़े से सिल्वर आ, आ, तो सिल्वर संकल्पों से पहचान बनाई उनका वस्त्र धारण किया उनको अपना बनाया उनको मैं समझा तो मैंने राम सीता का पार्ट प्ले किया फिर मैंने कॉपर संकल्पों के साथ संक अपनी पहचान बनाई उसको अपना समझा मैं समझा यही मैं हूं तो फिर मैंने भक्ति का पार्ट प्ले किया फिर मैंने काले काले संकल्पों के वस्त्र पहन लिए उससे अपनी पहचान बनाई तो मैंने शूद्र का पार्ट प्ले किया पर क्या मेरा ट्रुथ कभी बदला मैंने चाहे लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले किया हो चाहे राम सीता का पार्ट प्ले किया हो चाहे भक्ति का पार्ट प्ले किया हो चाहे मैंने ये शूद्र पार्ट भी प्ले किया क्या मेरा साइलेंट सत्य कभी बदला, कभी भी बदला और पार्ट किससे बना हुआ था संकल्पों से तो संकल्प बदल रहे थे सत्युप्रेता में संकल्प नहीं बदले ज्यादा बहुत वो भी नीचे गिरती कला ही है उसमें संकल्प बदलते पर बहुत 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 स्लो स्पीड तो मुझे अपना साइलेंट नेचर भूलता नहीं है वहा यहां पर मैं अपना मेरा अटेंशन जो है थोड़ा संकल्पों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है फर्क बस इतना ही है और कोई फर्क नहीं है आत्मा का अटेंशन संकल्पों में पड़ा हुआ है अभी तो संकल्प बोलता है मुझे इस पर्सन को ही हटाना है तो मैं सोचती हूँ ये संकल्प मैं हूं मैं इसको हटाने में लग जाती हूं फिर संकल्प बोलता है नहीं इसको है ना कैसे खत्म करूं ईगो को तो मेरा अटेंशन अगर वो संकल्प में है इमर्स्ड तो मैं इसको हटाने में लग जाती हूं। आप हटा सकते हो इसको रिकॉर्डिंग भी इटर्नल है हटा सकते हो नहीं हटा सकते कुछ भी नहीं हटता बस मैं अपना अटेंशन वहां से हटा के परमात्मा की तरफ ये है साइलेंस फिर परमात्मा के संस्कार क्या है वो मुझे अपने लगेंगे तो हमने तो देखा है कई बार ऐसे ऐसे चिपकते हैं संस्कार ऐसे ऐसे चिपकते हैं ऐसे ऐसे फीलिंग आएगी अंदर से कभी मान लीजिए मैंने बोला मेरा आइडिया उसने मेरा आइडिया ले लिया मैं मेरा मैं मेरा मन बोलता है हा? और ऐसे चिपकता है ऐसे आके जैसे जो नहीं चिपक जाता है वो लीच होता है ना लीच लीच को क्या बोलते हैं हिंदी में लीच चिपक जाती है ज्यू क्या बोलते हैं जू फिर मैं खून चूसती है वैसे चिपक जाता है वो संकल्प किसका आइडिया तो फिर मैं अपना अटेंशन इस थॉट पर से हटाकर बाबा की तरफ करती हूं किसका आइडिया क्या दिखता है बाबा की तरफ देखती हूं तो ऑफिस में भी हो सकता है हा मेरा आइडिया था बॉस को पता तो चले मेरा आइडिया था मैंने इतनी मेहनत की सेवा की फील्ड में भी हो सकता है ऑफिस में भी हो सकता है सब जगह हो सकता है हम सिर्फ परमात्मा की तरफ देखते हैं और परमात्मा की तरफ देखते हैं तो बाबा की तरफ ये कौन बोल रहा है बाबा मैं बच्ची ये मैं तो वो संकल्पों से बना हुआ ये लास्ट वाला पार्ट बोल रहा है तुम्हारा ट्रुथ तो ये नहीं है बच्चे तुम तो साइलेंट बीइंग हो तुम तो एकदम तुम्हारे अंदर के एंजल और डीमन दोनों से परे वाली एक साइलेंट प्रेजेंस हो तुम्हारा अपना तो एक संकल्प भी नहीं है तुम्हारा अपना तो एक संकल्प भी नहीं है तो मैं चलती ट्रेन से उतर गई मैं बैठी नहीं थी मेरा अटेंशन बैठा था यह भी इंपॉर्टेंट है मैं आत्मा कभी नहीं बैठती मन में मेरा अटेंशन बैठता है मन में तो साइलेंस मतलब परमात्मा की तरफ और जब परमात्मा की तरफ देखते हैं तो पता चलता है सोर्स ऑफ नॉलेज इज ज्ञान का सोर्स परमात्मा है मेरा अपना एक संकल्प भी नहीं है उसके लिए मुझे अपना ये साइलेंट ट्रूथ तो पता होना ना जिसके अंदर हद और बेहद का दोनों का गेम चल रहा है पर मैं उस हद और बेहद दोनों से परे साइलेंट प्रेजेंस हूं तब पता चलेगा इसीलिए जो आत्माएं सिर्फ ज्ञान को सुन रही हैं पर बैठकर अपने ऊपर अटेंशन नहीं दे रही सेंटर पर भी नहीं जा रही उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने साइलेंट सत्य को समझना तो सेंट क्योंकि हम जाएंगे ना सेंटर पर भी हमारा माइंड कंपैरिजन करेगा बहुत कुछ करेगा तो चेकिंग होगी ना अपना कल्याण कर रहे हो सेंटर जाके दूसरों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हम अपना कल्याण कर रहे हैं है ना तो आप अपने लिए हर सीन में लाइफ की अपने लिए एंटर होना है हर सीन में लाइफ की हम आपके साथ क्लास में बैठे ना आपके लिए नहीं बैठे हैं सच्ची बता रही <laughs> मैं आत्मा अपने लिए बैठी हूं यहां परमात्मा के साथ अपनी चेकिंग करने के लिए मैं कुछ नहीं देती आत्मा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है वो देने का काम एक करता है परमात्मा हम सिर्फ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ देर इज नो गिविंग एंड टेकिंग बिटवीन टू सोल्स कोई गिविंग टेकिंग नहीं हो रही है ना आप मुझसे कुछ ले रहे हैं एज रेनी मैं आपको कुछ दे रही हूं एज रेनी हम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं परमात्मा हमें दे रहा है हम एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल पार्ट को शेयर कर रहे हैं शेयरिंग चल रही है यहां पर सिर्फ लेन देन नहीं चल रहा लेन देन आपका परमात्मा और आपके बीच की बात है उसमें हम बीच में नहीं आएंगे ये बहुत क्लियर हो हाँ बहुत बहुत क्लियर हो अब आप अपनी चेकिंग के स्मृति से अपने ऊपर अटेंशन देना है पूरा टाइम अंतर्मुख मन के अंदर प्लेजेंट ट्रेन भी चलेगी फास्ट ट्रेन भी चलेगी स्लो ट्रेन भी चलेगी बैठी भी ट्रेन भी चलेगी कभी कभी बैठ भी जाएगी स्टेशन में मास्टर ने बोला होगा तो थोड़ी देर बैठ भी जाएगी पर दूसरी ट्रेन आ जाएंगी <laughs> तीसरी ट्रेन आ जाएगी ट्रेन स्टेशन है ना ये, बस आप आत्मा अपने अटेंशन को किसी भी ट्रेन में बैठने नहीं देना आप आत्मा अपने जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना पैसेंजर जो ट्रेन के साथ मूव नहीं हो रहा पर आती जाती ट्रेन को देख पा रहा है क्योंकि खुद स्टिल है खुद साइलेंट है तो पहले अपने आप को जानो नहीं तो ट्रेन में बैठा हुआ समझोगे ना तो बैठा हुआ ट्रेन में जो पैसेंजर है ना वो लगेगा अरे वो मैं हूं ऐसे फास्ट ट्रेन आती हैं जाती हैं है ना हम्म hmm. और ट्रेन के साथ बॉडी भी साथ में काम करती है अलग नहीं है कि तभी तो इतना रियल लगता है ये भ्रम तो साइलेंस मतलब क्या भ्रम भ्रम दिखे आत्मा आत्मा दिखे नहीं तो भ्रम तो लगता है मैं फिर चार मते और स्टार्ट हो जाती है ऐड होना परमत भी मनमत भी फिर चार मते आके बोलती है जैसे हम भी ज्ञान में आए थे ना पार्ट में हमको भी किसी ने कहा तुम कुमारीज में जाते हो पता है वो ये ये करते हैं मैंने कहा आपकी ओपिनियन है ना वो हमने तो यही बोला वो, आपकी ओपिनियन है राइट फॉर यू मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद डिसाइड करूंगी क्या है आपकी ओपिनियन आपके लिए राइट right है वो गलत नहीं वो अपनी जगह वो राइट right है मुझे उनको बैठ के जज नहीं करना है बट मैं किसी और की एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस नहीं बनाऊंगी मैं अपनी चेकिंग खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद करूंगी देन आई विल डिसाइड वॉट इज राइट फॉर मी दूसरा नहीं डिसाइड करेगा मेरे लिए और दूसरे कोई और ही नहीं थे एक्सटेंडेड फैमिली में ही सब थे अंदर इतना दृढ़ निश्चय हो लाइफ में डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए मैं अपने लिए कर रही हूं मैं किसी और के लिए नहीं कर रही मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है 100%. है आई अंडरस्टैंड आपकी ओपिनियन मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करने दो एक साल जब हमने एक साल नहीं हमको तो दो दिन ही लगे थे एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी पर कहने का मीनिंग है पर दो दिन के बाद एक्सपेरिमेंटिंग चालू हुई ना तब पता चला इसके जितना सत्य कुछ हो नहीं सकता वॉट इज गॉड टीचिंग इट्स वेरी प्रैक्टिकल ये कोई अनदर बिलीफ सिस्टम ऐड नहीं हो गया है मेरे ऊपर यहां पे बिलीफ सिस्टम्स ऐड नहीं कर रहे हैं हम और मान्यताओं को ऐड नहीं कर रहे हैं जो मान्यताएं है मन में बैठी हुई है उनसे दूर जो रियलिटी है जो सत्य है उसको तो पता चला कि मेरे ही मन की हलचल है प्रॉब्लम जिससे मैं आत्मा अपने और वो भी मन प्रॉब्लम नहीं है मेरा अटेंशन रॉन्ग जगह है ये पता चला बाहर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाहर तो सब ब्यूटिफुल एंजलिक बींग्स हैं वो अपने अपने पार्ट को उसके पार्ट में बंधे हुए पार्ट के अनुसार प्ले कर रहे हैं कोई गलत है ही नहीं बाहर ये पता चला ये तो मेरे मन की कॉमेंट्री है जो कभी गलत सही गलत सही गलत सही जजमेंट के लेबल्स लगा लगा के लगा लगा के मैं सोचती हूं मैं वो ट्रेन हूं मैं उसमें बैठ जाती हूं फिर मैं ऊपर से प्रिटेंड करती हूं मैं कितनी अच्छी हूं मीठा मीठा बोलती हूं उनको खुश करने की कोशिश करती हूं उनका अप्रूवल मिलेगा तो मैं अपने आप को अच्छा समझ पाऊंगी एज रीनी मुझे तब पता चला मैं कितना धोखेबाज जीवन जी रही तो अपने अंदर की वाइब्रेशंस क्लीन होने लगी आत्मा की वाइब्रेशंस जो संकल्पों से पहचान बनाई हुई थी ना साइलेंस में रहकर वो दूर जाने लगी वो फीलिंग्स वो थॉट्स वो इमोशन परमात्मा की साइलेंट कंपनी में डिस्टेंस क्रिएट होने लगा पुराने तरीके के सोच में पुराने बिलीफ मान्यताओं में पुराने जो इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म वो होता ना क्या बोलते हैं इंक्लिनेशंस को पता नहीं झुकाव हाँ झुकाव पुराने पुराने झुकाव पुराने पुराने इम्पल्स जो इतने सूक्ष्म होते हैं वो परमात्मा की साइलेंट कंपनी में बैठकर दिखने लगे उनसे साक्षी ने मुझे अपना रियलिटी रियल real दिखने लगा मुझे लगा मैं आत्मा फॉर एवर साइलेंट स्टिल बींग नन ऑफ दिस मूवमेंट जो माइंड का मूवमेंट है जो बॉडी का मूवमेंट है जो सेंसेशंस रेस्टलेसनेस एंजाइटी वरी अननेसेसरी ये सब होता है अभी ऐसा बहुत कम होता है पर अभी भी होता है सूक्ष्म लेवल पर होता है पर ये मेरी पहचान ही नहीं है मैं एक लिविंग बीइंग हूँ लिविंग लाइट हूँ और जहाँ मेरा अटेंशन होगा वो मुझे रियलिटी दिखेगी ये महसूस होने लगा तो मुझे पता चला मेरा प्रेम निरंतर है मेरी शांति निरंतर है मेरा सुख निरंतर है ये साइलेंस है बाकी ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स जो है माइंड में कभी किसी का पैसेंजर का चेहरा आ जाता है कभी खुद ही का चेहरे से एसोसिएटेड बाकी चार पैसेंजर्स और बैठे हुए होते हैं माइंड की ट्रेन में तो मैं उस शोर से दूर तो फीलिंग्स प्योर होने लगी किसी को भी इंप्रेस करने के लिए किसी को भी खुश करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना मुझे जरूरत ही नहीं है आई एम फुल इन माई सेल्फ मुझे बाहर ड्रामा में सक्सेस मिले तो मैं अपने आप को समझू हाँ मैं लायक हूं मैं वर्दी जरूरत ही नहीं सक्सेस फेलियर पार्ट ऑफ द लिमिटेड अनलिमिटेड प्ले मेरे मन के अंदर ही नहीं है रीनी एज एन इंस्ट्रूमेंट अच्छी लगे बुरी लगे। जरूरत ही नहीं है मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी अपनी जेन्युनिटी आपके साथ शेयर करनी है वो ऑटोमैटिकली होती है सोच कर नहीं होती मैं बहुत जेन्युनली बैठूंगी आज जेन्युनिटी no. मेरी जो है वो ऑटोमैटिकली शेयर होगी सोच सोच कर नहीं बैठा जाता ऑथेंटिसिटी अपने आप शेयर क्योंकि अब मैं समझ गई हूं आत्मा मेरे अंदर हद और बेहद दोनों का खेल है परमात्मा के सामने सिर्फ मेरा लाइट का स्वरूप ही नहीं दिखता मुझे अपने अंदर का खेल भी दिखता है जो संकल्पों फीलिंग्स इमोशंस के रूप में चल रहा है पर मैं वो नहीं हूं उससे मुझे वो अलग रखता है वो भी दिखता है ये है साइलेंस की शक्ति तो ये स्कूल है ना इसीलिए बोलते हैं विश्वविद्यालय इट इज अ कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल ब्रह्म कुमारी इज यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल <laughs> क्यों पहले पढ़ाया जाता है तुम्हारा परफेक्ट फॉर्म क्या है परफेक्ट नेचर क्या है पहले ये पढ़ाई कराई जाती है उससे मुझे पता चलता है मेरे अंदर कौन कौन सी पुरानी बीमारियां हैं जिससे मैं पहचान बनाए बैठी हूं तो फिर परमात्मा एक डॉक्टर का काम करता है एक सर्जन का काम करता है जो मुझे अपने अंदर के पुराने मान्यताओं से दूर करता है अपनी दृष्टि से मेरे ऊपर सत्य मेरा ये है और ये है भ्रम बच्ची तुम सत्य में बार बार मेरे साथ रहोगी तो सत्य को पहचान पाओगी भ्रम को देखोगी तो भ्रम में फंसी रहोगी है ना इसलिए आज परमात्मा ने हमें ये भी कहा बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं ज्ञान का सागर हूं तो अगर परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है तो मैं कौन मैं कौन मैं गंदी? <laughs> मैं दुखी मैं दर्द में नो। no. वो सिर्फ संकल्प थे जिससे मैंने पहचान बना वो लाल कपड़े काले कपड़े पहन लिए थे मैं तो फॉर सभी रंगों से परे रेनबो देखा होगा ना सभी ने रेनबो का मेन कलर व्हाइट है पता है ना आपको व्हाइट के अंदर सतरंग है आत्मा इज टोटली एब्सोल्युटली, नो डुअलिटी बिल्कुल व्हाइट उसके अंदर सातों रंग काला पीरा हला नीला जो भी है अपने उस सफेद रंग को पहचानने का काम बाबा की दृष्टि करती है उसकी मुरली करती है तो मुरली में आप देखेंगे कभी वो बताएगा हमें हमारे अंदर जो कालापन है उसके बारे में और कभी हमें वो बताएगा हमारे सफेद स्थिति के बारे में तो ये नहीं सोचना परमात्मा आपको गंदा बोल रहा है, no, नो वो आपको सिर्फ मिरर बता रहा है ट्रुथ का और उसमें आपको ये बता रहा है बच्चे देखो ये रंग के कपड़े हैं तुम्हारे अंदर पहनना नहीं उनको बार बार क्योंकि जब तुम उसका स्वरूप बन जाती हो तो तुम्हारा फिर वो उसका स्वरूप बन जाती हो तो ये सिखा रहा है कभी भी वो आपको नीचे नहीं करेगा पर वो आपको सब कुछ क्लियरली बताएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भगवान वो, वो वो मीठा मीठा भी बोलेगा पर मीठा मीठा बोल के आपको दवाई भी देगा कड़वी <laughs> डॉक्टर है ना अच्छा बेस्ट से बेस्ट <laughs> डॉक्टर है सर्जन है हमारे याद है पार्ट में एक अंकल जो डॉक्टर का पार्ट प्ले करते हैं ना बहुत स्वीट तो उनसे कड़वी दवाई लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती थी <laughs> हम्म अच्छा लगता था अंकल देंगे तो मैं ले लूंगी अंकल बोलेंगे तो मैं ले लूंगी <laughs> क्योंकि वो बहुत मीठा स्वीटन द पिल करके मुझे वो कड़वी दवाई देते थे <laughs> कि उन्होंने बोला इतना मीठा मीठा बोला उन्होंने बोला तो मेरे लिए अच्छा ही होगा तो इट्स नॉट लाइक आपकी जर्नी हमेशा स्मूद रहेगी स्पिरिचुअलिटी में ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाना भी नहीं गलती कर लोगे क्योंकि जब गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हैं ना तो हम जब उन एक्सपेक्टेशंस को हमारा माइंड मीट नहीं कर पाता तो हमें लगता है ज्ञान ही खराब है डॉक्टर की दवाई ही ठीक नहीं एक्चुअल में लेने वाला ही टाइम पे ले नहीं रहा था कड़वी लगी तो खाना ही नहीं है नो इट इज फॉर योर ट्रूथ फॉर यू टू अवेकन टू योर ट्रूथ हमारा ये जीवन सत्युगी हो जाता है फ्यूचर में नहीं अब भी अब भी होता है फ्यूचर तो हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं हमको तो इस मोमेंट में फील करना है पर परमात्मा हमें फ्यूचर का भी रिवॉर्ड बताएंगे कि देखो तुम अपने सत्य साइलेंस स्वरूप को जानोगी सत्य आनंद स्वरूप को जानोगी तो तुम्हारा फ्यूचर में ऑटोमेटिकली ड्रामा में रिवॉर्ड ये वाला पार्ट होगा तो ये ब्यूटी लव है परमात्मा का प्यार है हमारे लिए जो कभी कभी थोड़ी कड़वी दवाई देनी पड़ती है उसको इसलिए जब अगर कभी वो कह रहा है ना कि तुम पाप आत्मा और पुण्य आत्मा अब उसको गाली की तरह मत लेना पाप आत्मा मतलब मैं पाप आत्मा और पुण्य आत्मा का मतलब क्या हुआ पाप आत्मा मतलब क्या आत्मा जब अपने आप को उन स्क्रिप्ट से आइडेंटिफाई कर लेती है जो उसका अपना सत्य नहीं वो उसका अपना सत्य मान लेती है ये है तुम और कुछ नहीं है ज्यादा भक्ति के शब्दों में मत फंस जाना क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने उस वक्त वो आत्माएं बैठी थी जो कि भक्ति में डूबी हुई थी तो इसलिए आप साकार मुरली में देखेंगे भक्ति के शब्द यूज होते हैं पर हमारा कौन सा माइंड भक्ति माइंड एक्टिवेट हो जाता है पर वो उनका रीजन नहीं है परमात्मा का रीजन है भक्ति के शब्दों को यूज करके उनको भक्ति से निकालना है ना भक्ति में और गहराई में नहीं ले जाना तो पुण्य आत्मा मतलब क्या जो आत्मा जागृत हो गई अपना अटेंशन उसने अपने उन संकल्पों से निकालकर परमात्मा की तरफ साइलेंट नेचर की तरफ रखा बस ये है पुण्य आत्मा That is all it is. अब हमें तो ये कड़वे लगे ही नहीं शब्द क्योंकि मैंने कभी भक्ति नहीं की इस पार्ट में हा? पिछले जन्मों में की होगी इस पार्ट में नहीं की भक्ति तो हमें कभी ये शब्द में हम कभी गए नहीं कि पाप का मतलब अच्छा मैं पापी नहीं नॉट एट ऑल आत्मा फॉर एवर परफेक्ट फॉर एवर परफेक्ट गॉड लाइक बींग पार्ट प्ले किया है डेबल का भी और गॉड और गॉडेस का भी मतलब लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले किया है But I am neither Lakshmi Narayan nor devil. main दोनों से ही परे एकदम silent presence silent presence. है ना इंग्लिश में है ना हम एक प्रेयर सिखाते थे स्कूल में क्रिश्चियनिटी में हम क्रिश्चियन स्कूल में पार्ट था हमारा प्ले करने का तो उसमें था Our Father in heaven, holy be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Huh? Ab samajh aati hai wo prayer bhi. कि जब परमात्मा आता है heaven create करता है धरती पर जब परमात्मा आता है तो उसकी will जो आत्माएं उसकी विल को लेकर चलती हैं धरती पर हेवन आता है।, है ना तो उसकी विल क्या है जैसा मैं वैसी तुम जिसने इस जिस हद तक इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया तो हमें तो और अब मुझे आत्मा को तो ये लगता है दूसरे रिलिजन में भी अंश मात्र कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्य है अंशमात्र है नमक मिसल है आटे में पर है कहीं ना कहीं पर परमात्मा आके हमें सारे शास्त्रों का एसेंस सुना देता है तो रिस्पेक्ट बढ़ गया दूसरे धर्मों के प्रति भी हमारा तो परमात्मा आएगा तो रिस्पेक्ट ही तो बढ़ेगा ना ये नहीं कि मैं तो ब्रह्म कुमारी हूं मैं अच्छी हूं बाकी वो नहीं नहीं सब बहुत अच्छे हैं परफेक्ट ड्रामा परफेक्ट सब कुछ एक्यूरेट है एक एक सेकंड एक्यूरेट है इंक्लूडिंग मेरा पार्ट तो यह है सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर हूं अब ज्ञान का सागर में आपको मुझे लगता है कभी भी नेक्स्ट मुरली पर जाने वाली नहीं मुझे अव्यक्त मुरली भी पढ़नी है कल पढ़ेंगे पक्का से स्टार्ट उसी से स्टार्ट उसी करेंगे हम हाँ पर साकार मुरली जो दिन की होती है उसी में इतना कुछ दे देता है बाबा कि समझ ही नहीं आता कि दूसरी मुरली कब स्टार्ट हो तो कल हम उसी से स्टार्ट करेंगे अव्यक्त मुरली से हाँ अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या <laughs> हम्म उसको भी तो आके ज्ञान तो देना होगा ना उसका भी तो उसको पार्ट प्ले करना होगा ना तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा उसने तभी तो उसकी इतनी महिमा है है ना तो ज्ञान क्या चीज है यह भी किसी को मालूम नहीं बच्ची पर अब बाबा कहता है मैं तुझे ज्ञान पढ़ाता हूं बच्ची तो रेगुलर पढ़ना चाहिए ना एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी इसका मीनिंग कोई ना पॉइंट क्लियर करेगा मन बुद्धि के ताले को खोलेगा आत्मा अपनी जागृत अवस्था में बाबा के साथ सुनेगी ना तो बुद्धि का ताला भी खुलेगा मन का ताला भी खुलेगा पता ही नहीं चलेगा इस दिन वो पॉइंट अलग तरीके से स्ट्राइक हुआ तो मिस नहीं करना मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएगी मतलब पॉइंट का स्वरूप में रहना और फिर सुनना अथाह पॉइंट्स हैं बच्ची यह भी तुझे समझाता हूं बच्ची कि तू भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी मतलब तुझ आत्मा ने अपने अच्छे वाले संस्कारों से अपनी पहचान तुझ साइलेंट बींग ने जब अपनी पहचान उन संस्कारों को दी तो तूने लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले किया ये कोई बड़ी बात नहीं लगती अब हम आत्मा को तो पहले तो ज्ञान में आने से पहले लगता था स्वर्ग पता नहीं कौन सी बातें हैं होगी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें किसी किसी इमेजिनरी दुनिया का होगा अब लगता है ये तो लॉजिकल है ये तो नेचुरल है ऑफकोर्स लॉजिकल लगता है इट्स अ वेरी लॉजिकल एस्पेक्ट मैं आत्मा जिस चीज से आइडेंटिफाई करूंगी वैसी दुनिया बाहर क्रिएट होगी लॉजिक है ये तो एकदम लॉजिकल ये तो स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स हो गई एंशियंट टाइम्स की जो मैंने अपने आप को मान के चली वैसी बाहर दुनिया क्रिएट तो इट्स नॉट अ बिग डील स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है नेचुरल नॉर्मल है किसके लिए लिविंग बीइंग के लिए लिविंग लाइट के लिए है ना क्योंकि आज बाबा ने यह भी कहा है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ भूलना है जैसे देखते हुए भी नहीं देखा तो कौन सी आंख से रीनी की आंख से नहीं आत्मा मन की भी चीजें देख रही है उसको भी देखते हुए नहीं देखना फिर बाहर की जो चीजें दिख रही है उसको भी देखते हुए नहीं देखना मीनिंग क्या अब मेरे सामने में शॉपिंग पे गई ग्रोसरी शॉपिंग दो जने आपस में लड़ रहे हैं हुँ? मेरे पास तीन ऑप्शंस थे हाँ एक था स्वर्गीय ऑप्शन एक था नरकीय ऑप्शन और एक था बीच वाला कॉपर एज ऑप्शन उप्षिन. तीन ऑप्शंस थे मेरे पास नहीं चार थे और एक था साइलेंट ऑप्शन उप्षिन, फोर ऑप्शंस हम्म तो पहले मैंने अगर साइलेंट ऑप्शन नहीं लिया होता तो मैं स्वर्गीय वाला ले ही नहीं पाती तो बाबा ने बोला देख कर भी नहीं देखना अब मुझे इन आंखों से अगर पर्सन माइंड की आंखों से देखूं मैंने आत्मा ने पर्सनल माइंड का चोला पहनकर फिर बाहर सीन को देखा तब तो मुझे लगा ये क्यों लड़ रहे हैं कलयुग आ गया है <laughs> तो मैंने क्या किया <laughs> मैंने पहले पर्सनल आइडेंटिटी का चोला पहना और फिर उस नजर से देखा तो बाहर के क्रिटिसिज्म सीन को देखकर पर मैंने वो चोला नहीं पहना पर ये ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन था कॉपर एज का चोला पहन लिया उन संकल्पों का चोला पहनकर मैंने बोला चलो अपने क्या करना है छोड़ो ना अपने तो अपने काम से जाओ लड़ते नहीं मुझे क्या करना तो मैंने कॉपर एज का चोला पहन लिया उस वक्त कहीं और नहीं है गोल्डन सिल्वर कॉपर यही है मैं आत्मा यहीं पे लिव कर रही हूं बाद में आएगा वो अलग बात है अभी मैं क्या लिव कर रही हूँ छोड़ो ना अपने क्या करना करते रहेंगे होता रहेगा अपना काम करो ना इनडिफरेंट बिल्कुल इनडिफरेंट वो अलग मैं अलग वो अपनी पंचायत मैं अपनी पंचायत ये कोई अच्छी बात नहीं है अब तीसरा साइलेंट स्वरूप में रहकर ये ऑप्शन है हाँ मैं आत्मा वहां खड़ी हूं अपने साइलेंट स्वरूप में वो सामने मेरे लड़ रहे हैं परमात्मा ने कहा देखकर भी नहीं देखना अच्छा ओके तो पहले मन की आंख को देखा मन भी अपनी कमेंट्री तो चालू रखता है ना तो मन ने बोला मैं कौन जो देख रही हूँ मन को भी तो पहले मैं एकदम सूक्ष्मता में बाबा के साथ साइलेंस में बैठी देखा मन क्या बोल रहा है मन थोड़ा सा बोल रहा है कि ये कहीं बढ़ ना जाए लड़ाई मन ने बोला हम्म मैं आत्मा उसको भी साक्षी होके देखा बाबा ने कहा बाहर तो जो दिख रहा है बच्ची मोम के पुतले मोम के पुतलों को तो क्या देखना वो तो पार्ट फिक्स्ड है अच्छा ठीक है अब मन में जो चल रहा है ना उसको भी देखा ना दोनों को साथ में देख रही हूँ साइमल्टेनियसली मन और बाहर साइमल्टेनियसली दिख रहा है मन बोल रहा है कहीं लड़ाई बढ़ना जाए डर रहा है मन है ना लड़ाई को देख के डरता है मन तुम्हें हाथ में एकदम साइलेंट प्रेजेंस बाबा आपको क्या दिख रहा है बच्ची मुझे तो साइलेंट स्टिल बींग्स दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा मैं, मैं मुझे भी दिखाओ आपको क्या दिख रहा है तो देखा कि आंखों के आगे दिख रहा है पर नहीं है इंटरेस्ट नहीं आ रहा देख कर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो देख कर भी दिख नहीं रहा मन में भी जो संकल्प डर रहा है उससे भी मैं आत्मा साक्षी इतनी सूक्ष्मता में अपने उससे भी डर को भी देखकर मैं आत्मा डर नहीं रही एकदम अपनी सूक्ष्मता में बाबा के साथ एकदम देख रही, एकदम साइलेंट स्टिल है जब इतना सूक्ष्मता में देखा तो सब फिर अब सब कुछ भ्रम लगने लगा फिर मैं उसी के लाइन में खड़ी हुई थी ना पैसे देने के लिए पाठ में <laughs> तो जब उसको भी देखा जो डांट रहा था दूसरे वाले को अंदर से बस यही भावना निकली थैंक यू फॉर योर पार्ट आप स्टिल साइलेंट हो ये मुझे पता है थैंक यू फॉर योर पार्ट जैसे भी चला परफेक्ट चला बहुत अच्छा चला है न हमें है ना आज हम थोड़ा पांच मिनट किसी को शेयर करने के लिए बोल सकते हैं फिर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं एक दो क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इसको इनके लिए भी जो नए नए आए हैं उनके लिए भी जरूरी है क्योंकि इन्होंने भी प्रैक्टिस बहुत टाइम तक नहीं की है अभी ही स्टार्ट की है जो भी शेयर करेंगे ना आज पिछले छह सात महीनों से ही शुरू की है इन्होंने भी ये प्रैक्टिस पर क्या क्या उनके चैलेंजेस आए हैं और कैसे उन्होंने उसको फेस किया अगर वो भी बताएंगे ना तो आपको भी थोड़ा सा इज़ी होगा दीदी सिस्टर बबीता या यू कैन शांति दीदी ओम शांति दीदी सबसे पहले जब ये वाली अंडरस्टैंडिंग बाबा ने दी तो एक चीज बड़ी लाइट कर गई कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरा नहीं है कुछ भी गलती हो रही है मेरी नहीं है इतना ही समझ आया था बहुत टाइम तक तो इसको जैसे इतना ही कॉन्सेप्ट बस समझ आया और अच्छा लगता रहा लेकिन धीरे धीरे इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बाबा ने डीप करी कि जैसे ज्ञान में यही सुनते समझते थे कि कोई मतलब अच्छा नहीं चल रहा या डिफरेंट चल रहा है अच्छा नहीं तो मन की भाषा है लेकिन कुछ अलग चल रहा है शांत नहीं है गुस्सा कर रहा है या प्योरिटी की बात है कुछ भी है सारी चीजें सकाश, सकाश दो तो उसमें क्या करते थे कि बस मैं आत्मा हूं या वो आत्मा है ये समझा नहीं था सिर्फ एक बिंदी बना दी कि बिंदी लेकिन आत्मा का मीनिंग क्या है ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं था कि आत्मा का मीनिंग क्या है आत्मा तो फिर कैसे करने लगे कि जैसे कोई भी जैसे कुछ कर रहा है तो अब क्या समझ आता है जैसे मान लो भाई कोई कुछ बेटे के रोल में जैसे जो आत्मा है तो बाई चांस उस वो शाउट कर रहा है या उस जैसे एक दिन वो बहुत भूखा था उसको नॉनवेज खाने का टेस्ट उसके माइंड में है उसका पार्ट है तो उसको बहुत ऐसे था क्रेविंग मुझे वो कुछ चाहिए उस टाइप का हमारा अब घर में तो बनता नहीं है ऐसा कुछ भी तो ये आत्मा देख रही कि इस आत्मा का झाड़ इस आत्मा के झाड़ में से इसका पार्ट ये इमर्ज हो रहा है उसको ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कह रही है शांत स्वरूप आत्मा ये शान स्वरूप आत्मा नहीं ये knowing जो है कि इस आत्मा के अंदर ये स्क्रिप्ट है और ये झाड़ इसका निकल रहा है आत्मा एकदम स्टिल साइलेंट बाबा के साथ है और मैं भी वो ही प्योर लिविंग बींग हूं और हमारा इटर्नली रिश्ता क्या है तो ये ना फेक नहीं लगता जैसे अभी आपने क्लास में मतलब बाबा ने क्लियर किया ना कि कई बार हम करते करते वो लगता था जैसे या तो मैं ही कुछ सही नहीं कर रही या ज्ञान ही ठीक नहीं है अब ये वाला कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि जो बाबा ने ये अंडरस्टैंडिंग दी है ना ये ट्रुथ लगती है बिल्कुल रियलिटी भले पार्ट में कुछ भी हो रहा है बहुत सारी चीजों में दीदी -दी ऐसे लगता है होता है जैसे अब अब हजबेंड के रोड आत्मा है जो तो क्या होता है कि कई बार मान लो कुछ जैसे पार्ट के हिसाब से इससे कोई गलतियां हुई कोई लापरवाही का पार्ट चला है ना और उनका वो उसको बढ़ा चढ़ा के जैसे बोल रहे हैं, इनके इसको जैसे एक शॉपिंग करने गई वो वो उसमें वहां पर हमने उस चीज को बार बार मान लो कभी होता है कि बदलवा रहे हैं लाया बदलवाया तो अब जब भी जाएंगे तो उन्होंने अगर वो चीजें बोलनी है तो गुस्सा नहीं आता क्योंकि आत्मा की क्लैरिटी मिली आत्मा का पार्ट मतलब झाड़ एक्सप्रेस हो रहा है तो अब गुस्सा नहीं आता मुंह नहीं बनता बल्कि मैं कई बार खड़ी हो जाती हूँ वहीं पर एक स्माइल भी नहीं होती बड़ा एक प्यार से ऐसे ही कि अच्छा आप बोल रहे हैं ठीक है ये भी नहीं होता कि बोल लो आपको जो बोलना है नहीं एक बड़ी प्यार सी फीलिंग होती है अंदर ही अंदर में उनको भी पता है कि ये प्रैक्टिस तो कर ही रही है तो वो देख मतलब बोल के कई बार तो वो मैं आंख बंद करके अपना इस अटेंशन में चली जाती हूँ और फिर वो शांत होके जैसे स्माइली कर देंगे या नहीं भी बोल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब इस चीज से या जैसे बस और भी हाँ एक और बहुत चीज जो बड़ी अच्छी अभी आया नहीं है पूरी तरह से करना कि, आ, जैसे मान लो घर में दो जने हैं और उनकी कोई कन्वर्सेशन में जैसे उनकी बातचीत में थोड़ा सा आवाज तेज हो रही है क्योंकि व्यूज अलग हैं दोनों के तो एकदम से ना यही डर इनकी लड़ाई ना बढ़ जाए आवाज तेज हो रही है तो अभी दीदी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस सीन के अंदर सिर्फ एक बैक हो गई अपनी अटेंशन में आ गई मैं आत्मा और इतना ही करा ज्यादा कुछ और करा नहीं थोड़ा बहुत उस टाइम जो भी हुआ याद नहीं है मुझे लेकिन इसका भी मुझे बहुत एक लाइटनेस लगी कि पहले से जो पहले ऐसे नहीं होता था पहले तो बाबा आपकी किरणें इस पर जा रही आत्माएं शांत हो जाए लड़े ना बिल्कुल भी कुछ नहीं इनका आपस में ऐसे मतलब इस टाइप की प्रैक्टिस करते थे तो वो चेंज बाबा दिखा रहा है और एक दिन क्या हुआ कि रात को बारह साढ़े बारह बजे अचानक से कॉल आ गया भाई आत्मा का गलती से लग गया तो फोन लगते ही मदर की तरफ ध्यान गया कि कुछ हो गया है और उनका तो गलती से लगा तो उन्होंने फोन कट कर दिया अब मैं तो नींद तोड़ गई मेरी और सोई नहीं सारी रात और यही चलता रहा पूरा माइंड ने पूरी पिक्चर पेंट कर दी वहां पर क्या हो गया है लेकिन जो ये ये ज्ञान है ये अंदर दिखा रहा है कि एक थॉट है तेरे पास अभी सिर्फ कुछ पता भी नहीं है और इसमें पूरी पूरा ये बॉडी को भी यूज कर रहा है माइंड को भी यूज कर रहा है डर भी इतना जबरदस्त शरीर में महसूस हो रहा है और ज्ञान भी चल रहा है आत्माएं को आत्मा को तो कुछ होता नहीं है पर सब कुछ चलता रहा सारी रात में वैसे बैठ के ही निकाला लेकिन फिर आपने तो बल्कि जैसे आपसे भी शेयर किया दीदी -दी ये चीज आपने कहा कि संकल्प का स्वरूप नहीं बने आपने कॉल बैक तो नहीं किया ये तो एक अच्छा लगा कि चलो मेरे को तो लग रहा था कि मैं इतना डर रही हूं या अंदर हो रहा है ये ज्ञान लगा है कि नहीं लगा पर आपने इस चीज पर कहा तो उसमें भी फिर अच्छा लगा तो दीदी -दी ऐसे ऐसे ही चल रहा है <laughs> पर, पर पर तो 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 बाबा को और आपका हाँ मतलब बहुत देखो जो ज्ञान के हिसाब से है ना हमें लगता है ये चीजें तो श्रीमत के खिलाफ हैं ये संकल्प भी खिलाफ है नहीं आना चाहिए लेकिन आज चाहे कोई जेलस का ही है इवन आ, हम जो एक ही क्लास में बैठे हैं बट हमें जब ये पता चल गया ना ये मेरा नहीं है हम सबका सत्य क्या है तो कितने प्यार से हम सामने वाली आत्मा से शेयर भी कर पाते हैं अरे मेरे अंदर आपके लिए ऐसे ऐसे, ऐसे आया क्योंकि पता है कि क्योंकि हम रियलिटी देख के बोल रहे हैं ये चीज और या एक बस ये चीज लगती है कि कई बार कोई लस्ट तक के भी संकल्प अगर आ गया है तो बट ये आत्मा उस तूफान तूफान का मतलब इससे समझ आया कि तूफान क्या होता है बाहरी तूफान की बात नहीं करता बाबा ये जो मानसिक जो ऑटोमेटिकली जो माइंड में रिकॉर्डिंग है वो चलती हैं और वो ही तूफान की तरह से है लेकिन मैं आत्मा उससे भी साक्षी होके उसको मर्ज कर सकती हूँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग और भी हैं बाबा के कोई पुराने स्टूडेंट्स जो शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग काफी देर से ले रहे हैं राइट right अंडरस्टैंडिंग बाबा की जो हमें दे रहे हैं ज्ञान बताएंगे आप कोई भी और इंटरेस्टेड है शेयर करने में <laughs> क्योंकि आपके अनुभव मदद करते हैं ओके सिस्टर रोमा आप प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे या सिस्टर अनम्यूट करें ओम शांति ओम शांति ओम शांति दीदी वेल well, एक बारी जैसे बबीता बहन ने शेयर किया तो बिल्कुल ऐसी ही सात्विका की भी प्रैक्टिस थी इनफैक्ट हम हमारा एक ग्रुप ही है और हम मिलकर ही करते थे और जैसे दीदी ने कहा कि ये भी स्टार्टिंग में ये सब कुछ भी ठीक है और इसी से हम आगे बढ़े और वो ग्रुप में से ही एक सिस्टर थी जिन्होंने जो यूएस गए वहाँ उन्होंने जिन्हें दीदी की क्लास अटेंड की ऑनलाइन ही और फिर हम सभी से लिंक शेयर किया और नहीं आप वो बताएंगे आपके अनुभव में जी वही मैं बता रही हूँ कि जैसे बबीता बहन कह रहे तो वैसे ही मेरी भी प्रैक्टिस रही एक सीन आया उसमें क्या था कि जैसे फैमिली में की कोई भी चीज आती है तो सबके लिए आती है तो अः जब मैं उस चीज को यूज करती थी तो फैमिली में एक आत्मा और थी तो वो उसको लगता था कि आ, मतलब उस मतलब एक ऑब्जेक्शन की फीलिंग और एक्ट आता था उधर से तो तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था और फिर अंदर से आता था कि अब मैं ना यूज ही नहीं करूंगी मुझे जो चाहिए होगा मैं जाके खुद ले आऊंगी तो मैंने दीदी से ये शेयर किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या आपके इस एक्ट से फैमिली uh, मेंबर्स uh, खुश होंगे uh, या क्या आत्मा को इस तरह से करना चाहिए क्या आप वो जो मेंबर है उसको आत्मा देख रहे हैं उसको अपना पार्ट प्ले करते हुए देख रहे हैं या आप अपनी मन की फीलिंग्स में फंस के और अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो फिर वो समझ में आया और uh, जब ये अंडरस्टैंडिंग आई तो वो आत्मा का पार्ट चेंज ही हो गया वो चीज अपने आप ही ऑमिट आउट हो गई और फिर और डीप में जब क्लासेस सुनी तो समझ में आया कि ये परिस्थिति भी मेरे सामने क्यों आ रही थी क्योंकि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आती है वो मुझे मेरे संपन्न संपूर्ण स्वरूप की ओर ले जाने के लिए ही आती है मुझे मेरे कंप्लीट फॉर्म की तरफ ले जाने के लिए ही आती है वो मुझे दिखाती है कि यहाँ पर गैप है इस ब्लैंक को फिल करो ये कमी है यहाँ फंस रहे हो तुम मन में और यहाँ तुम पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो है आ, आ, अपना डिसीजन ले रहे हो जबकि आत्मा जो है इन द मोमेंट ऑफ नाउ है और माना कि वो आत्मा को मैं इन द मोमेंट ऑफ नाउ में जब एज अ लव फुल देखती हूँ कि हाँ वो शेयर करती है उसमें शेयरिंग क्वालिटीज हैं तो वो आत्मा का पार्टी चेंज हो जाता है तो ऐसे हर कंटेक्स में इस चीज को मैंने अप्लाई किया और अपनी जो कमियां थी वो मुझे दिखती गई और धीरे धीरे वो ऑमिट हो रही हैं एंड आई एम श्योर एक क्लासेस को जब हम मिलके आगे कंटिन्यू करेंगे दीदी की बेस्ट पार्ट ये लगती है वो जो होते हैं ना तो जो दीदी भी कहते हैं कि आपके क्वेश्चन हैं और उनसे मैं भी सीखती हूँ सभी सीखते हैं क्योंकि इतनी सारे सबकी सिचुएशंस होती हैं कौन कैसे एक्ट करता है कैसे निकल के आता है तो उससे सबको हेल्प मिलती है थैंक यू ओम शांति थैंक यू बाबा थैंक यू है ना बस वो अपनी कमजोरियां नहीं वो भी पार्ट में फिक्स्ड है ना तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया है कि योग और याद में क्या अंतर है क्या ये सेम है या अलग है अगर सेम है तो भी बताइए और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है कभी कभी बाबा योग को याद भी कहते हैं और कभी बोलते हैं योग मत लगाओ याद करो है ना तो योग और याद में एक तरीके से तो अंतर नहीं है पर्सनल माइंड के लिए अंतर है आत्मा जो रहती ही परमात्मा के साथ है उसको परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं याद का शब्द परमात्मा हमें मन के लिए बोलते हैं कि अपने मन को तुम राजा आत्मा अपने मन को दूसरी चीजों को याद करने नहीं दो तुम अपने मन को बोलो वो सिर्फ मुझे ही याद करे और उसके लिए राजा को तो जागृत होना होगा ना तो राजा को पहले जागृत करता है फिर उसके मन मंत्री को वो कहता है मन मंत्री तुम इधर उधर मत भटको सिर्फ परमात्मा को याद करो है ना तो परमात्मा आत्मा राजा जब तक नहीं जागेगी तो वो योग अग्नि में जो पुरानी आइडेंटिटीज बनाई हुई है माइंड के साथ वो भस्म होनी शुरू हो जाती है मतलब वो वीकनेस अब अपनी नहीं लगती वो पराई लगने लगती वीकनेस क्या है और कुछ नहीं ओल्ड स्क्रिप्टेड माइंड उसके ऊपर थॉट्स और संस्कार जो हैं वो है इसलिए उसको नाम दिया है वीकनेस पर ये सिर्फ एक शब्द है ह्यूमन डिक्शनरी में वीकनेस मतलब गंदा बाबा की डिक्शनरी में वीकनेस मीन्स इट्स नॉट यू डोंट से समथिंग आई एम टू सम दैट इज नॉट यू जो आप नहीं है उसको मैं ये हूं नहीं बोले है ना तो इसलिए हमें ये देखना है कि परमात्मा आत्मा को बोल रहा है योग लगाओ मतलब अपना मन का योग मन की याद कभी इसको याद कर रहा है कभी उसको याद कर रहा है कभी किसी की कहानियों में फंसा हुआ है कभी अपनी ही मन की सारी कहानियों में फंसा हुआ है इसी आइडेंटिटी की इसी का पास्ट इसी का फ्यूचर इसी को बचाने की प्रैक्टिस कोशिश तो परमात्मा बोल रहे हैं योग इसके साथ लगाने की बजाय योग अपने पुराने मन के साथ लगाने की बजाय हे आत्मा अपना योग मेरे साथ रख तो बीज रूप अवस्था है योग याद है मन को सारा टाइम परमात्मा में लगाए रखना तो योग में ही सारे योग अग्नि उसमें सिर्फ परमात्मा रियलिटी लगती है बाकी सब अनरियल लगता है याद जो है उसमें हम आत्मा बाबा के साथ कंबाइन रहते हुए अपने मन को परमात्मा के अंदर इमर्स करते जाते हैं क्लियर हुआ जी दीदी दी. तो इस तरह से योग और याद की जो यात्रा है यही जैसे इसी को हम मन मना, भाव भी कहेंगे? बिल्कुल मन मना है, याद और योग एक तरीके से शब्द हैं सिर्फ ये भी द डे सोल इज विद बाबा आत्मा फॉर एवर बाबा के साथ है परमात्मा के साथ बाबा मीन्स शिव बाबा के साथ कंबाइंड है आत्मा फॉर एवर राइट और उसे परमात्मा कहते हैं कि अपना मन मुझे दे दो अब देगा कौन रीनी तो खुद मन का पार्ट है आत्मा दे सकती है मन को यह पर्सनल आइडेंटिटी नहीं दे सकती आत्मा पर्सनल आइडेंटिटी का स्वरूप बनकर मन को नहीं दे सकती आत्मा पर्सनल आइडेंटिटी से साक्षी होकर मन को बाबा को दे सकती है तब बोलते हैं मन मना भाव तो याद बाबा इसीलिए भी बोलते हैं नेचुरल है ना याद करना पेरेंट्स को पेरेंट्स के साथ योग थोड़े ना लगाना पड़ता है पेरेंट्स के साथ नेचुरल याद होती है तो जब योग नेचुरल हो जाता है तो उसको बोलते हैं याद हुँ? अब मैं पूरे दिन योग में पूरे दिन नेचुरली याद में हूं हाँ जी तो ये नेचुरल योग की जैसे आप बात कर रहे हैं तो योग से फिर विकर्म विनाश कैसे होते हैं यही है। तो योग में मैं आत्मा जितना परमात्मा की अभी भी मैं आत्मा एक्शन में आ रही हूँ मुख से बोल रही हूँ हाथ भी चल रहे हैं पर मैं आत्मा परमात्मा की कोख में हूं तो मुझे पता है ये योग उसके साथ मतलब ये मूवमेंट जो बॉडी का है ये टेम्पररी है फास्ट होता जा रहा है मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं माइंड के संकल्प अभी तो ठीक है मान लीजिए परमात्मा के साथ एकदम से लग रहा है कि मेरा अपनी सोच तो चल ही नहीं रही है माइंड की तो ठीक है पर अगर चल भी रही है माइंड की अपनी सोच तो वो माइंड की अपनी सोच अपने आप ही जैसे ही मैं परमात्मा के साथ योग में हूँ वो बंद हो जाती है चलना धीरे धीरे हो जाती है स्लो हो जाती है तो योग में क्या होगा विकर्म विनाश मतलब मेरी जो आइडेंटिटी बनाई हुई है मैंने पुराने संकल्पों से बॉडी के मूवमेंट से बॉडी की सेंसेशन से वो टूटती जाएगी उससे मेरा अपना परिचय खत्म होता जाएगा ये है विकर्म विनाश विकर्म और कुछ भी नहीं है अपनी आइडेंटिटी उन चीजों से बना लेना जो मेरा सत्य नहीं है ये है विकर्म और विनाश होना मतलब कि वो मेरा ट्रू आइडेंटिटी में रहती हूं मैं अपने ट्रू सेल्फ आइडेंटिटी से फॉल्स आइडेंटिटीज मर्ज हो जाती हैं और फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं बॉडी की माइंड की लैंग्वेज बॉडी के मूवमेंट्स बॉडी की सेंसेशंस माइंड के मूड्स माइंड की मेमोरीज माइंड के संकल्प ये सब हैं फॉल्स इमेजिनरी चेंज ऑफ द माइंड एंड बॉडी उससे मेरी आइडेंटिटी विनाश होती जाएगी मतलब मर्ज होती जाएगी और मेरा सत्य स्वरूप साइलेंट स्टिल बींग ऑफ लाइट हूं वो रियल लगने लगेगा दैट इज विकर्म विनाश जी दीदी दी. तो दीदी दी ये परमात्मा की कोख जो आपने बताया वो आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड फॉर्म ही है क्या हाँ जी परमात्मा की कोख मींस परमात्मा की फीलिंग मेरी फीलिंग है तो मान लीजिए माइंड में फीलिंग आई जैसे आ, उन्होंने कहा जेलसी भी आ सकती है या मेरापन आ सकता है मैंपन आ सकता है मेरी चीज किसी ने मुझसे छीन ली जैसे या मेरी चीज चोरी कर ली किसी ने चीज बाहर स्थूल नहीं मेरा आइडिया ही या फिर मेरी आ, 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 जैसे उन्होंने कहा मुझे उनकी वो बात अच्छी नहीं लगी अब वो ये जो सारी फीलिंग्स है ना मैं परमात्मा की कोख में बैठी हूँ मतलब क्या बाबा की फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स 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 मेरी ये सारी फॉरेन ऑफ़ गॉड माय ओनली फीलिंग तो मैं इनको हटाने की मेहनत नहीं करती कि इन फीलिंग्स को चेंज करूँ इन संकल्पों को चेंज करूं इनको हटाऊं इनको मिटाऊं नहीं परमात्मा की कोख मतलब बाबा की फीलिंग में बिल्कुल उसका स्वरूप बनकर कार्बन कॉपी बाबा की फीलिंग की उसमें स्वरूप में रहकर मैं आत्मा उन फीलिंग्स को देखती हूँ साक्षी होकर तो मान लीजिए जेलसी की फीलिंग आई हाँ तो मैं आत्मा एकदम साक्षी होके देखती हूँ मेरा स्वरूप क्या है बाबा क्या फील कर रहा है बाबा तो देख रहा है कि एकदम मेरा ये बच्चा बींग ऑफ लाइट एकदम वर्ल्ड मदर है मदरली फीलिंग्स ये आत्मा तो बच्चा तो मेरा चाहता है सब आत्माएं मुझसे भी आगे जाए उड़े क्योंकि मेरा उड़ना तो मैं तो ऑलरेडी उड़ी रही हूँ दूसरे भी उड़े मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं ये मेरी फीलिंग्स है मैं इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी बकायदा की उन फीलिंग्स को हटाने में ये है परमात्मा की कोक जी ठीक है ना हाँ जी दृष्टि, वृत्ति और कृति ये तीनों का मीनिंग समझाए और क्या दृष्टि, वृत्ति, कृति के बदलने से आत्मा का पाठ में परिवर्तन होगा ऐसा होता है इसको भी समझाइए जी, जब हमें ये पता चलने लग जाता है कि आउटर वर्ल्ड का क्रिएटर मैं अपनी किस स्मृति में हूं उस अनुसार होता है आउटर वर्ल्ड का क्रिएशन और इनर वर्ल्ड में मेरे स्क्रिप्ट बैठी हुई है है ना तो सबसे पहले आती है स्मृति स्मृति के बाद आती है वृति, वृति के बाद आती है दृष्टि दृष्टि के बाद आती है कृति कृति के बाद आती है सृष्टि हम्म तो सबसे पहले मेरी स्मृति क्या है क्या मैं ये साइलेंट बीइंग हूं ये मेरी स्मृति है तो अगर मेरी ये स्मृति है तो फिर मेरी वृत्ति और एटीट्यूड मेरी जो पर्सनालिटी है उस अनुसार फोल्ड होगी परमात्मा के संस्कार फीलिंग्स मुझे अपनी फीलिंग लगेगी तो परमात्मा की इस फीलिंग है मैं आत्मा गुप्त रूप में रहकर परमात्मा के साथ जो परमात्मा को देना है वो मेरे थ्रू देता जाए मैं बिल्कुल एकदम अपने माइंड और बुद्धि और संस्कारों को परमात्मा को समर्पित बिल्कुल क्लीन मैं आत्मा परमात्मा के साथ अब उसको जैसे यूज करना है वो करे तो मेरी स्मृति से वृद्धि क्या हुई आई डोंट डू एनी थिंग करण करावनहार परमात्मा है अगर मेरी वृत्ति वैसी हुई एटीट्यूड वैसा हुआ मैंने ना किसी को कुछ दिया ना किसी से कुछ लिया सब शेयरिंग हुई पर परमात्मा ने सब कुछ दिया सबको जो देना था तो उससे मेरी दृष्टि कैसी हुई सामने वाले के प्रति वी आर सो ब्रदर्स प्लेइंग पार्ट ऑन अर्थ शेयरिंग का खेल चल रहा है आपने ना मुझसे कुछ ले रहे हैं ना मैं कुछ आपको दे रही हूं आपका पार्ट उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना मेरा पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है चाहे उसमें आपने इस पार्ट को गुस्सा ही क्यों ना किया हो या प्रेज क्यों ना किया हो, है ना? तो मेरी दृष्टि बदल गई कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं सबका पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट मेरी वो दृष्टि हो गई जब मेरी दृष्टि वैसी हो गई तो एक्शन्स कैसे होंगे ऑटोमेटिकली एक्शंस रिस्पेक्टफुल होंगे जब मेरे रिस्पेक्टफुल एक्शन्स होंगे तो दुनिया कैसी आएगी बाहर मेरे रिश्ते कैसे हो जाएंगे सत्युगी ना? तो स्मृति से वृत्ति वृत्ति से एक्चुअली स्मृति से समर्थी पावर आएगी उस पावर से फिर वृत्ति होगी वृत्ति से फिर दृष्टि होगी दृष्टि से फिर कृति होगी और कृति से फिर सृष्टि आएगी है ना और ऐसे Many souls अगर एक साथ ऐसा ही कर्म कर रहे हैं अपनी स्मृति में रहकर तो फिर बाहर सत्युगाना इन एविटेबल है ले लेते हैं कि मूली के जो शब्द हैं उसको भगवान के महा महावाक्य कहते हैं लेकिन इन महावाक्यों को एक तो एज इट इज मीनिंग समझे और इसके पीछे का जो भाव समझे भाव की अंडरस्टैंडिंग कब होती है मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाती है तो उसको अंडरस्टैंड कैसे होते हैं भाव भाव इसके भाव को कैसे समझे हम भाव को समझने के लिए इसीलिए परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है इस यज्ञ में परमात्मा ने इसीलिए शेयरिंग का एक ये रखा है कि हम ज्ञान को शेयर करते हैं थोपते नहीं है किसी पर है ना तो इसलिए ज्ञान की शेयरिंग होती है सेंटर्स पर जाते हैं मुरली सुनते हैं अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे धैर्यता का अपना नेचर सबसे पहले लेकर जाना कहीं पर भी जाओ तो क्योंकि धैर्यता के बिना ज्ञान समझा नहीं जाएगा नहीं होगा शुरू शुरू में आधा समझ आएगा नहीं आएगा जितना भी समझ आए उतना अप्लाई करना शुरू कर दें। एक पॉइंट समझ आया है एक पॉइंट को ही अप्लाई करना शुरू करें फिर वो पॉइंट समझना शुरू होंगे तो चार और खुलेंगे फिर चार और खुलेंगे तो आठ और खुलेंगे। <laughs> तो जितना समझ आया है उतना अप्लाई करें फिर माइंड बोलेगा अरे दो मान लीजिए आज एक पॉइंट समझ आया कल आपको चार और आ गए तब वो कल वाला गलत लगेगा माइंड को वो गलत नहीं था उस वक्त उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उतना ही राइट right था अब चार और समझ आ गए तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो गई तो फिर उस अनुसार एक्शन होगा फिर चार वाला गलत लगेगा जब आठ बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो।, तो गलत कुछ भी नहीं हो रहा है जितना समझ आ रहा है उसको अप्लाई करते जाए खुलती जाएगी आत्मा जागृत है तो उसकी बुद्धि अपने आप खुलेगी इंटरेस्ट है अटेंशन है धैर्यता है, कभी अपने आप को गलत नहीं समझना ईगो वश नहीं बोल रहे हैं हम हाँ ईगो नहीं बोल रहा है मैं अपने आप को गलत नहीं मैं तो राइट right हूं बाकी सब रॉन्ग नो no. आत्मा जितना समझ आ रहा है मैं अप्लाई कर रही हूँ ऊपर नीचे हो सकता है समझ में तो जैसे जैसे खुलेगी बाबा सरेंडर सरेंडर मैं अप्लाई एक प्योरिटी एक होती है ज्ञान के एप्लीकेशन की भी वो प्योरिटी हो ज्ञान के एप्लीकेशन की जिसमें आपको वन टू पे आ जाओगे तो वन गलत लगेगा फोर पे आ जाओगे तो टू गलत लगेगा गलत कुछ भी नहीं हुआ है जितना ऑथेंटिकली जेन्युनली आपको समझ आ रहा है अप्लाई करते जाए खुलता जाएगा खुलता जाएगा एंड ये अंडरस्टैंड करें ड्रामा इज मोस्ट कल्याणकारी न्यायकारी बेनिफिशियल जो चीज जब समझ आनी होगी तो ही तभी ही आएगी उससे पहले नहीं आ सकती नहीं आ सकती जब आप रेडी होंगे उस दिन वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा इसलिए दूसरों को देख के नहीं चलना खुद की जर्नी खुद की नजर खुद के ऊपर और परमात्मा के ऊपर तो आपको मैं ये गारंटी दे सकती हूं आपका टनल विजन हो मैं आत्मा घोड़े को ब्लाइंडर्स पहना देते हैं ना आस की चीजें दिखती नहीं है वैसे आप आत्मा अपने आप को बिल्कुल परमात्मा के ऊपर आस पास के किसी को नहीं देखना मैं और मेरा बाबा और बाबा आप मेरी गाइड करो जर्नी को मैं आत्मा तो जर्नी पे नहीं हूं पर माइंड जर्नी पर है तो मैं स्टिल साइलेंट बीइंग माइंड को आपको सरेंडर करती हूँ और माइंड की जर्नी को खुलते हुए देखती हूं आपके सामने ओनली गॉड एंड आई नो एन एल्स इन बिटवीन

उस परफेक्शन में रहकर आप अपने माइंड की परफेक्शन को खुलता हुआ देख रहे हैं। माइंड भी परफेक्ट बनता जा रहा है। यस। yes, पर आत्मा ऑलरेडी परफेक्ट है अच्छा तो तभी बाबा कहते विचार सागर मंथन करो तो क्योंकि एक सिंगल विचार से ही हमारा माइंड की क्लियरिटी होगी हाँ पर माइंड की क्लैरिटी भी मैं नहीं हूं मैं तो ऑलरेडी क्लियर हूं है ना मैं आत्मा ऑलरेडी क्लैरिटी में हूं अब मैं अपने माइंड के लेख को साफ होता हुआ देख रही हूँ इसलिए परमात्मा बोलते हैं जो उन्होंने बोला अभी दीदी ने कि विचार सागर मंथन करें माइंड कर रहा है मैं नहीं कर रही हूँ माइंड कर रहा है मैं आत्मा माइंड को करवा रही हूँ माइंड को दवाई दे रही हूँ परफेक्ट आत्मा ज्ञानी आत्मा माइंड को भी ज्ञानी बना रही हूं जी थैंक यू दीदी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर सबकी क्लियरिटी हुई क्वेश्चन तो स्टिल है लेकिन टाइम परमिट नहीं करता है इसलिए नहीं ले पाएंगे तो हम इसको कंटिन्यू नेक्स्ट मतलब कल करेंगे तो अभी हम इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं आप प्लीज योग कराइए फिर हम क्लोज करेंगे जी दीदी तो इसीलिए परमात्मा हमें बोलते हैं बच्चे सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखो अगर विजुअल्स हेल्प करते हैं तो जरूर यूज करो पर विजुअल्स नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम आत्मा होना बंद हो गई हो आत्मा तो इमेजलेस है विचित्र है चित्रों से परे है तो तुम विचित्र आत्मा फॉर इस मोमेंट में हो और हर अनुभव आ रहा है जा रहा है पर तुम चेंज नहीं हो रही हो तुम अपने आप को स्टिल साइलेंट मेरी कोख में देखो मेरी फीलिंग में तुम बस वो तुम्हारी है बाकी माइंड की मूविंग फीलिंग्स बॉडी की चेंजिंग फीलिंग्स वो तुम नहीं हो तो जैसे ही रियलाइज हो कभी इमर्स्ड भी हो गया हो तुम्हारा अटेंशन है आत्मा निकाल लो अपने अटेंशन को बाहर ऐसे निकालो जैसे कभी फंसे ही नहीं थे बाबा की तरफ अटेंशन बिल्कुल साइलेंस स्टिल अब बॉडी को भले ही चलाओ फास्ट स्लो बॉडी मूव हो रही है आत्मा नहीं माइंड उतना ही चलेगा अगर चल भी रहा है ज्यादा तो और अटेंशन इमर्स भी हो गया है एक सेकेंड में निकालो थॉट्स मेरे थे ही नहीं मैं हूँ ही नहीं थॉट्स, गंदा अच्छा नहीं बोलना उसको थॉट्स मेरे थे ही नहीं कौन साइलेंट प्रेजेंस क्या मुझे संकल्पों की जरूरत है अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं मेरा सत्य मेरा साइलेंट है परमात्मा से बातें बाबा कुछ हो तो सुचवा देना कुछ हो तो करवा देना ओके बच्चे बाबा के साथ रहो आप देखेंगे आदत हो जाएगी उसके साथ रहने की मन की भी आत्मा तो है ही उसके साथ मन की भी आदत हो जाएगी सब कुछ उसे पूछ पूछ कर करने की आत्मा तो करती ही नहीं है कुछ करण करावन हार परमात्मा करते हैं मन को ही यूज करेंगे वो भी पर आत्मा को अपनी गोद में बिठाकर स्टिल और साइलेंट बींग जिसको कुछ टच नहीं कर सकता गॉड लाइक बीइंग, ये सत्य जितना आप एक्सेप्ट करेंगे उतना आपके लिए मन की स्क्रिप्ट दूर होती जाएगी Thank you. Thank you so much. Thank you, Baba. Thank you.